हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 38 आज हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंस टू MFIS। MFIS का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और को लेंडिंग अरेंजमेंट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो किस तरह से फाइनेंस किया जाता है बैंकों को? को लेंडिंग, को लेंडिंग का ऑप्शन मतलब बैंक और कोई आपके NBFC मिलके जो है लोन देती है उसको बोला जाता है को लेंडिंग। जो ये आपका वर्ड है को, इसका मतलब टू और लेंडिंग मतलब लोन। तो दो कंपनीज, दो एंटिटी मिलके लोन देती है तो उसको को लेंडिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बैंक और NBFC मिलके जो है बोरोइंग करते हैं। तो इसके बारे में माइक्रो फाइनेंस क्या होता है ये सब अभी हम देखेंगे। पहले NBFC के बारे में बताया हुआ बैकग्राउंड में कि अब NBFC क्या होता है। तो NBFC बैंकों से किस टर्म में डिफरेंट होते हैं? तो NBFC आप शॉर्ट में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोल सकते हैं। ये कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, और ये कौन सी एक्टिविटी करती है? लोन और एडवांसेस का बिजनेस कर सकती है, शेयर्स को एक्वायर करना, बॉन्ड डिबेंचर सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इशू करती है उसमें इन्वेस्ट करना, और भी कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है, लीजिंग है, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, ये सारी एक्टिविटी कर सकती है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को नहीं NBFC बोल सकते जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स मतलब कोई ट्रेडिंग करना, इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती है। NBFC जो है जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती, या डिपॉजिट लेगी तो किसी स्पेसिफिक स्कीम के तहत ये डिपॉजिट ले सकती है। नॉर्मल जो डिपॉजिट रहता है वो अलाउ नहीं रहता, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो NBFC डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। बैंक और NBFC सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि ये NBFC जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते और बैंक डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं। इसका अगला ये फायदा और जो डिफरेंस है, NBFC कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती है। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत RBI के द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं, और लेकिन इसको रूल्स रेगुलेशन जो है RBI का भी मानना पड़ता है क्योंकि बैंकिंग वाली जो है एक्टिविटीज भी करती है। किसी स्कीम के तहत ये कोई डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको आप NBFC बोल सकते हैं क्योंकि उसमें जनता से वो डिपॉजिट ले रही है, पर वो जो इंश्योरेंस कंपनी की जो स्कीम है उसके तहत वो जो है जनता से डिपॉजिट लेती है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो कि लेंडिंग देने का काम करती है, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करती है, तो वो भी एक टाइप का NBFC आप बोल सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अभी हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFC किस तरह से काम करती है। तो माइक्रो फाइनेंस नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा या थोड़ा, कोई चीज़ बहुत छोटी है उसको माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड स्मॉल लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो जो गरीब और कम इनकम के जो हाउस होल्ड है उनको लोन देने का काम कौन करता है? माइक्रो फाइनेंस। तो स्पेशली जो पुअर लोग हैं उनको भी लोन दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस के द्वारा। इट इज डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो माइक्रो फाइनेंस को बनाया इसी पर्पज के लिए गया है, प्रमोट करने के लिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है दूर दराज के एरिया में बैंकिंग सुविधाएं अवेलेबल कराना, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो लो इनकम या पुअर लोग हैं वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, तो इसीलिए जो है माइक्रो फाइनेंस उनको लोन देने का काम करती है। कैसे? इंक्रीज देयर इनकम लेवल, इम्प्रूव ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इनकम को बढ़ा के और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके वैसा करती है। माइक्रो क्रेडिट इन इंडिया इज डिलीवर्ड थ्रू वेरियस चैनल। तो अलग अलग ऑप्शन है जिसके थ्रू माइक्रो क्रेडिट का जो है लोन दिया जाता है। एक आपका आ जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक RRB, लेंडिंग बोर्ड डायरेक्टली और थ्रू बैंकिंग चैनल्स, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, या फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये डायरेक्टली भी लोन दे देती है और कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर भी ऐसा करती है। अगली कैटेगरी आ जाएगी आपकी कॉरपोरेटिव बैंक, तीसरा आ जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और लास्ट आ जाएगा आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, मिलके जो है लोन आपका गरीब यानी कि जो पुअर और लो इनकम है उनको देते हैं। और इसमें ये जो आपके स्पेशली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये डायरेक्टली भी देते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके भी दे सकते हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से जो है लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका बैंक बोरोइंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर NBFCs। तो जब भी आपका NBFC लोन देगी तो कहाँ से पैसा आएगा? जैसे हमने बोला ये जनता से तो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा लेके लोन देने का काम करती है कौन? NBFC। अब हम ये देखेंगे NBFC हैव सेवरल सोर्स ऑफ इनकम, इसके कई सारे सोर्स ऑफ इनकम है। पब्लिक डिपॉजिट विद स्पेशल अप्रूवल, तो अगर इसको पब्लिक से डिपॉजिट चाहिए तो RBI से अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अलाउ होता है। डिबेंचर्स इशू कर दिया, बैंक से बोरोइंग, तो बैंक से भी NBFC जो है बोरोइंग कर सकती है। कमर्शियल पेपर इशू करके भी जो है ये बोरोइंग मतलब पैसा जो है अरेंज कर सकती है। इसके बड़े सोर्स की बात करें NBFC, तो बैंक बोरोइंग है, तो बैंक बोरोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ फंड फॉर NBFCs।
और इंक्लूडिंग एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एनबीएफसी या एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बैंक बोरो इनके पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट आता है बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी। तो बैंक किस तरह से एनबीएफसी को फाइनेंस करती है? एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद एसबीआई, तो इसके लिए एनबीएफसी को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना रहता है। बैंक में एक्सटेंड नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल, तो बैंक क्या कर सकता है, एनबीएफसी को या तो वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर टर्म लोन के लिए लोन दे सकता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए। टर्म लोन एक स्पेसिफिक टेन्योर होगा, जैसे मान लीजिए 10 साल 15 साल, उसके बाद आप उसको ईएमआई के फॉर्म में धीरे धीरे रिपे कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके का लोन बैंक एनबीएफसी को देता है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड रहती है। और जो कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो एनबीएफसी फाइनेंस करेगी, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज और लोन, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये काम करे, तो उस पर्पज के लिए बैंक जो है एनबीएफसी को लोन देने का काम करती है। और जो भी बैंक एनबीएफसी को लोन देते हैं तो उसमें और जो भी एक्सपोजर नॉर्म्स है वो बैंकों को उसको पूरा करना होता है। ऑल एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद आरबीआई एक्सेप्ट फ्यू एग्जेम्प्टेड। तो कुछ कैटेगरी एग्जेम्प्टेड है, ज्यादातर केसेस में जो एनबीएफसी और जो हाउसिंग फाइनेंस है उनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन रहना पड़ता है। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो आरबीआई का 1934 के तहत जो कुछ नीचे जो तीन चार टाइप की एनबीएफसी बताइए, इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सी, एक तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो जो माइक्रो लोन देने का काम करती है अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि रजिस्टर्ड रहती है आरबीआई के तहत, सिक्योरिटी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, आपका जो सरफासी एक्ट 2002 है उसके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड है जो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, तो उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। निधि कंपनीज, म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज, चिट फंड कंपनीज या मर्चेंट बैंकिंग वाली कंपनीज, तो इनको एग्जम्पशन है, इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आपका एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट। तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि बैंक क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब बैंक इसके लिए पर्पस के लिए लोन नहीं देता। बिल डिस्काउंटेड, री डिस्काउंट, अगर एनबीएफसी ने किसी भी बिल को डिस्काउंट या री डिस्काउंट किया तो बैंक उस पर्पस के लिए एनबीएफसी को लोन नहीं देगा। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, और री डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग का मतलब कस्टमर का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लीजिए उसने उधार में कोई सामान दिया और बदले में उसके पास एक बिल है और उस बिल में लिखा है, जिसको आप बिल रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, उस बिल में लिखा हुआ है कि हाँ 3 महीने में जो है, मान लीजिए उसने 1 लाख के गुड्स बेचे, 3 महीने में 1 लाख रुपए मिलेगा, बट जो हमारा एक कस्टमर है इसको 3 महीने का टाइम नहीं है, ये अभी से इसको नया ऑर्डर आया तो उसके लिए इसको पैसे चाहिए। तो उस केस में जो हमारा कस्टमर है जिसका मान नाम मान लीजिए ए है, वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा मेरे पास ये बिल है, इसको आप डिस्काउंट करके दे दीजिए। तो डिस्काउंट में क्या होगा, बैंक 80 या 90% तक का पेमेंट उसको देगा, बैलेंस जब बिल का अमाउंट आ जाएगा, मान लीजिए बी को गुड्स बेचे तो जो बी बैलेंस अमाउंट पे कर देगा पूरा, बी तो पूरा अमाउंट पे करेगा, बैंक तब उसका जो बैलेंस अमाउंट उसको दे देगा। इस तरह से जो है बिल डिस्काउंटिंग का काम होता है। डिस्काउंटिंग तो समझ में आ गई, रिस्क डिस्काउंटिंग क्या है, ये जो बैंक है, जैसे आप मान लीजिए इंडस्ट्रीज को बैंक कोई लोन देता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो बैंक ने मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज का बिल डिस्काउंट किया, सिडबी क्या करेगी, बैंक के उस बिल को री डिस्काउंट करेगी। तो री डिस्काउंट का मतलब कोई चीज जब रिपीट हो दोबारा से उसको बोला जाता है री, तो री डिस्काउंट मतलब ऑलरेडी बिल को बैंक ने डिस्काउंट कर दिया, बैंक को पैसे की जरूरत है। तो सिडबी क्या करेगी, ऐसी नाबार्ड भी आपकी काम करती है, ये ज्यादातर जो रूरल एरियाज का जो क्रेडिट बैंक देता है, तो एनएबीआरडी क्या करती है, उसको बैंकों के उस बिल को री डिस्काउंट कर देती है। री डिस्काउंट मतलब जिस बिल को आप बैंक ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास जाकर बैंक उस बिल को दोबारा से डिस्काउंट करा लेता है, तो उसको बोलते हैं री डिस्काउंट। ठीक है, अगर कोई बिल को री डिस्काउंट या डिस्काउंट किया एनबीएफसी ने, तो बैंक उसके लिए जो है लोन नहीं देगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसी बोथ ऑफ करंट और लॉन्ग टर्म नेचर इन एनी कंपनी एंटिटी बाय वे ऑफ शेयर। तो अगर एनबीएफसी किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही केसेस में बैंक उसको इस पर्पज के लिए लोन नहीं देगी। तीसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बाय एनबीएफसी टू एनी कंपनी। तो एनबीएफसी क्या कर रही है, किसी कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन जो है देने का काम कर रही है, उस केस में बैंक उसको लोन नहीं देगा इस पर्पज के लिए। ऑल टाइप ऑफ लोन एंड एडवांस बाय एनबीएफसी टू देयर सब्सिडी, एनबीएफसी है उनकी कोई सब्सिडी है या उनकी कोई ग्रुप कंपनी या कोई एंटिटी है और एनबीएफसी अपनी सब्सिडी को लोन दे रही है, उस केस में बैंक इसको फाइनेंस नहीं करेगा। फाइनेंस टू एनबीएफसी फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट। तो एनबीएफसी क्या कर रही है, इंडिविजुअल को लोन दे रही है कि आईपीओ में किसी कंपनी ने अपने नए नए शेयर निकाले, उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो इंडिविजुअल है मान लीजिए ए, वो एनबीएफसी से लोन के लिए पैसे मांग रहा है कि मुझे मान लीजिए कोई कंपनी एक्स वाई जेड उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसे दो, और एनबीएफसी ने उसको सच में पैसे दे दिए, तो उस पर्पज के लिए बैंक उसको लोन नहीं देगी। ये दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में कहीं पे भी अगर किसी ऐसे इंडिविजुअल को एनबीएफसी लोन दे रही है जो कि उस पैसे को आईपीओ के थ्रू, आईपीओ के शेयर को सब्सक्राइब के लिए या सेकेंडरी मार्केट से शेयर को खरीदने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करेगा, तो उस पर्पस के लिए भी बैंक एनबीएफसी को फाइनेंस नहीं देगी।
कि आपका मेन जो हो गया कहाँ कहाँ पे फाइनेंस, किस किस एक्टिविटीज के लिए बैंक फाइनेंस नहीं करता, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक प्रोविजन एज स्टेटेड बिलो। तो कुछ प्रोविजन आरबीआई ने बताया, पहला बोला फाइनेंस ऑफ लीज एंड सब लीज असेट, बैंक कैन नॉट एंटर। तो बैंक क्या करता है, लीज वाला बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, एग्रीमेंट विद इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी एंड अदर एनबीएफसी एंगेज इन इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी एज बैंक कैन फाइनेंशियल। बैंक खुद तो लीजिंग वाली कंपनीज के साथ जो है एग्रीमेंट करके ये सब सुविधा नहीं दे सकता। लीज हायर परचेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप लीज पे देते हो और बदले में कुछ रेंट आप कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपने खरीदी और उसको आपने लीज पे चढ़ा दिया, हर महीने रेंट आ रहा है, तो वो लीजिंग वाली कंपनीज होती है। ठीक है, लीज फाइनेंस। तो बैंक खुद से ये लीज वाली एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन एनबीएफसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, जो कि ये वो एनबीएफसी जो कि लीज का बिजनेस करती है, तो उसको बैंक लोन दे सकता है। सेकेंड आता है बैंक फाइनेंस टू फैक्टरिंग कंपनीज, बैंक कैन एक्सटेंड फाइनेंशियल। तो कोई भी कंपनी अगर फैक्टरिंग की सुविधा दे रही है एनबीएफसी, तो उसको भी बैंक फाइनेंस कर सकता है। और इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी आपकी कंपनी है फैक्टरिंग के तौर पे उसने जो है अपना फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत वो अपना बिजनेस करती हो, और 50% जो उसकी इनकम है फैक्टरिंग एक्टिविटी से आनी चाहिए। तो वो वाली फैक्टरिंग कंपनी जिनका 50% जो इनकम सोर्स है वो फैक्टरिंग से होगा, तो उन वाली फैक्टरिंग को बैंक जो फाइनेंस कर सकता है। और नेक्स्ट है रिसीवेबल परचेज, और जो है जो भी रिसीवेबल अगर वो परचेज कर रही है फाइनेंस कर रही है, तो विद रिकॉर्स या विदाउट रिकॉर्स बेसिस पे होगा। फॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ असेट्स, तो कम से कम उसके 50% असेट ऐसे होने चाहिए जो कि उसने रिसीवेबल परचेज या फाइनेंस किया हो, उसके सोर्स से वो होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिज लोन या इंटीरियर लोन, बैंक कैन नॉट ग्रांट ब्रिज लोन ऑफ एनी नेचर इंटीरियर फाइनेंस अगेंस्ट डिबेंचर इशू और पेंडिंग रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द मार्केट एज कैपिटल। तो बैंक किसी ब्रिज लोन या इंटीरियम लोन के लिए जो है फाइनेंस नहीं दे सकता। ब्रिज लोन क्या होता है, ब्रिज क्या करता है, दो जगह को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्रिज का काम है दो एरियाज को कनेक्ट करना। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई लोन लेना है, लेकिन अभी आपको जैसे मान लीजिए आपका कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है, एक हाउसिंग लोन आपका चल रहा है। ठीक है, आपको एक और हाउसिंग लोन लेना, लेकिन आपको अभी नहीं लेना, आपको 6 महीने बाद लेना। आपको लगता है कि 6 महीने बाद जो है इसका इंटरेस्ट रेट अच्छा है, और तब प्रोसेसिंग फी भी नहीं है, तब दिवाली का कोई सीजन, दिवाली आने वाली है, तो उस टाइम पे ऑफर रहेगा, तब मेरा जो है तब मेरे को 6 महीने बाद ही लेना हाउसिंग लोन, अभी नहीं लेना। तो लेकिन आपको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आप मान लीजिए हाउसिंग लोन अपने घर के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आप ले रहे थे, तो लेकिन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म का लोन ले सकते हैं, उसी को बोलाता है ब्रिज लोन। तो ये ऑलरेडी दो जो लोन है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। स्पेशली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन चल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं ब्रिज लोन का कंसेप्ट। तो पर्सनल लोन आपका ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे चल रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाह रहे हो, उस पर्सनल लोन को क्लोज करके एक नया लोन लेना चाह रहे हैं। तो पर्सनल लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है और आप नया पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा वेट करके लेना चाह रहे हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है पैसे की। शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहे तो एक लोन ले सकते हैं जो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, और जो आप पर्सनल लोन मान लीजिए 3 या 6 महीने बाद लेना चाह रहे हो, तो वो आप तब ले सकते हो। तो ब्रिज लोन मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और जो भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब जो भी हमारे को पैसे की जरूरत पड़ती है थोड़े टाइम के लिए, तो ये उसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं होता। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म का लोन तो लेंगे, बट अब उसको हम थोड़े टाइम बाद लेंगे, 5 6 महीने बाद। उसका कोई भी रीजन हो सकता है कि हम लेट क्यों करना चाह रहे हैं, क्या पता तब हमारे को इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, तब हमें कोई ऑफर मिलेगा, तो इसलिए हम वेट करते हैं। जैसे कई बार ये शॉपिंग आपको करनी होती है तो फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, तो आप सोचते हैं कि अभी नहीं, जैसे बिग बिलियन डे आएगा तब हम शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो टेम्पररी पर्पस के लिए आप किसी काम को रोकते हो, उस पर्पस में आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी की जाती है लोन देके, उसी को बोला जाता है ब्रिज या इंटीरियर लोन। नेक्स्ट आता है एडवांस अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ शेयर टू एनबीएफसी, शेयर एंड डिबेंचर्स कैन नॉट बी। तो जब भी मान लीजिए एनबीएफसी बैंकों से लोन ले रहा है और वो सिक्योरिटी के तौर पे बोल रहा है कि ये मेरे पास शेयर्स है, ये मेरे पास डिबेंचर्स है, तो उसको बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, अगर बैंक कोई सिक्योर्ड लोन दे रहा है एनबीएफसी को और सिक्योरिटी के बेसिस पे वो शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफर कर रही है बैंक को, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन गारंटी फॉर प्लेसमेंट ऑफ फंड विद एनबीएफसी, बैंक शुड नॉट एग्जीक्यूट गारंटी कवरिंग इंटर कंपनी डिपॉजिट लोन देयर बाय गारंटिंग रिफंड और एनी, मतलब किसी भी टाइप का जो डिपॉजिट या लोन जो कि एनबीएफसी एक्सेप्ट कर रही है, बैंक उसको किसी भी टाइप की गारंटी जो है नहीं देगा। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूडेंशियल सीलिंग फॉर एक्सपोजर ऑफ बैंक टू एनबीएफसी, मतलब बैंक कितने तक का लोन एनबीएफसी को दे सकते हैं, उसमें क्या सीलिंग है बैंकों के एक्सपोजर को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। पहला एक्सपोजर टू सिंगल एनबीएफसी, मतलब एक एनबीएफसी को कितना दे सकता है एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनीज। तो गोल्ड लोन कंपनीज कौन होती है भी आपका नीचे आएगा, तो सिंगल एनबीएफसी को बैंक कितना दे सकता है, मैक्सिमम 20। तो बैंकों की जो टीयर वन कैपिटल है उसका 20% मैक्सिमम एक जो है एक एनबीएफसी को बैंक लोन दे सकता है। ऐसे ही अगर ग्रुप है कुछ कनेक्टेड एनबीएफसी का ग्रुप है, उस केस में कितना होगा, इस केस में 25%। तो बैंकों का जो टीयर वन कैपिटल है उसका मैक्सिमम 25% ग्रुप ऑफ एनबीएफसी को दे पाएगा।
नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू सिंगल एनबीएफसी, जो कि लैंडिंग अगेंस्ट कोलेटरल, जो ज्वेल जैसे गोल्ड ज्वेलरी हो गया उसको सिक्योरिटी मान के लोन दे दी, ज्यादातर गोल्ड लोन आप बोली छे, तो उस केस में आप कितना दे सकते हो? मैक्सिमम 7.5% ऑफ बैंक टीयर वन प्लस टीयर टू, तो बैंक अगर टीयर वन टीयर टू कैपिटल को ऐड कर लीजिए उसका 7.5% मैक्सिमम इसमें रहता है। और ये जो सीलिंग है ये 12.5% तक चली जाएगी इफ एडिशनल एक्सपोजर इज ऑन अकाउंट ऑफ फंड ऑन लैंड बाय द एनबीएफसी। अगर एनबीएफसी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन देना चाह रही है एडिशनल, तो 12.5% एक्स्ट्रा सीलिंग जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट एक्सपोजर टू एनबीएफसी सेक्टर, बैंक में फिक्स इंटरनल लिमिट। तो बैंक क्या कर सकता है, अपनी खुद की जो है लिमिट सेटअप कर सकता है कि कितना एग्रीगेट एक्सपोजर वो सभी एनबीएफसी को मिला के कितना देगा। ऐसे एग्रीगेट एक्सपोजर्स टू ऑल एनबीएफसीज हैविंग गोल्ड लोन टू द एक्सटेंड ऑफ 50% और मोर ऑफ देयर फाइनेंशियल असेट्स। तो ऐसी एनबीएफसी जिनका गोल्ड लोन का बिजनेस 50% या इससे ज्यादा का है, मतलब उनका जो टोटल एक्सपोजर है वो उन्होंने 50% से ज्यादा जो गोल्ड लोन वाले असेट्स में दिया हुआ है, सो बैंक शुड हैव। तो इसको लेकर भी बैंकों की अपनी एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना एग्रीगेट एक्सपोजर इस तरह के एनबीएफसी को बैंक दे सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिमिट दी है, ये दो लिमिट आप याद रख लीजिए, ये ज्यादा आपका पूछ सकता है, ये पहले दो ए और बी। सिंगल होगा तो 20% ऑफ टीयर वन, अगर ग्रुप ऑफ एनबीएफसी तो 25%। ये तीसरा भी याद रख लीजिए, अगर आपका कोलेटरल जो को सिक्योरिटी मान के, ज्वेलरी को सिक्योरिटी मान के जो है लोन दे रही है जो एनबीएफसी, तो उसमें 7.5% ऑफ टीयर वन, और इसमें जो है ये सीलिंग 12.5% तो चली जाएगी अगर एडिशनल एक्सपोजर बैंक जो है एनबीएफसी जो है लोन लेके बैंकों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस करेगी। ठीक है, तो ये आपका लिमिट इसमें हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बैंक लोन टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग। बैंक में गिव लोन टू एनबीएफसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। ऑन लैंडिंग का मतलब क्या है कि एनबीएफसी बैंकों से पैसा ले रही है और बैंकों से पैसा लेके जो प्रायोरिटी सेक्टर है उस सेक्टर के लिए उस पैसे को लोन के तौर पे दे रही है। दिस मोड इज नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी, तो अर्बन कॉरपोरेटिव, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस और जो लोकल एरिया बैंक है उनके लिए नहीं है, सिर्फ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए ये बात लागू होती है। लोन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती है या सोसाइटी या ट्रस्ट होती है उसके बारे में बात की गई है। बैंक अगर है स्मॉल फाइनेंस बैंक आर अलाउड टू, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर जो बाकी के बैंक है उनको इसकी परमिशन दी है कि वो चाहे तो जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो या जो नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज है इस पर्पज के लिए, तो उसको लोन दे सकता है और वो फिर उसको इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को जो है अपना वो नॉर्मल जो है अपना प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन दे सकती है। सेकेंड आता है लोन टू एनबीएफसी, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग इज एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो बैंकों ने जो एनबीएफसी को लोन दिया और एनबीएफसी ने वो लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दिया, तो ये क्लासीफाई कर सकता है बैंक अपना कि उसने प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया। नेक्स्ट आता है लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक क्रेडिट टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अप्रूव बाय नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर देयर रीफाइनेंस। तो बैंक क्या कर सकता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसको जो है, तो बैंक ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन दे सकता है जो कि जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक से अप्रूवल मिला होगा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो उसको रीफाइनेंस कर देगी। रीफाइनेंस का मतलब है बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया कि तुम हाउसिंग किसी मतलब कस्टमर को, बोरोअर को अगर हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करना है, परचेस करना है, तो उस पर्पज के लिए तुम लोन दो। ठीक है, अभी जो एनबीएफसी है उसको बैंक ने लोन दिया और वो एनबीएफसी क्या करेगी, नेशनल हाउसिंग बैंक से उसको रीफाइनेंस करा लेगा। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है कि ये आपका नेशनल हाउसिंग सॉरी आपका हाउसिंग फाइनेंस ने लोगों को लोन दिया और फिर नेशनल हाउसिंग बैंक ने उसको वो पैसा रिफाइनेंस करते हैं, मतलब उसको पेमेंट जो है वापस करते हैं, रिमबर्समेंट एक तरह से बोली जो कर दी, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज होता है। जैसे ही इसका रिपेमेंट वापस आएगा तो फिर ये इसको धीरे धीरे नेशनल हाउसिंग बैंक को पे करेगा, तो उसी को बोला जाता है रिफाइनेंस। मतलब मैंने आपको पैसा दिया और मैंने जो आपको पैसा दिया किसी और ने मुझे वो पैसा दे दिया, ठीक है, उसको बोला जाता है रिफाइनेंस। कुछ चीज़ रिपीट होती है ना दोबारा से, तो इसीलिए रिफाइनेंस वाला वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया। कैप ऑन लैंडिंग बैंक फाइनेंस, तो जो बैंक एनबीएफसी को लोन देगा आप उसमें हाउसिंग फाइनेंस को भी ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ के जो है बी और सी जो भी यहाँ पे बताया गया बी और सी शुड बी विद इन 5% ऑफ टोटल। तो जो भी बैंकों का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है उसमें से 5% तक का लिमिट है, मतलब 5% तक का जो भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है उसमें से सिर्फ 5% का पैसा वो एनबीएफसी के थ्रू दे सकता है। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ये यहाँ पे आपका पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आगे के टॉपिक को हम लोग पार्ट टू में जो है डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमने देखा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 1956 और जो अभी नई जो कंपनीज होगी एनबीएफसी, तो कंपनी एक्ट और 2013 के एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड होती है।
माइक्रो फाइनेंस और नॉन बैंकिंग कंपनी। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल या जो पुअर और जो लो हाउस होल्ड इनकम के जो लोग हैं उनको लोन देने का काम करती है। और इसका मेन पर्पस यही है माइक्रो फाइनेंस देने का, कि जो पॉवर्टी, जो गरीबी को दूर किया जाए और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जाए और उनके इनकम को बढ़ाया जाए। और आपका ये नेक्स्ट हेडिंग है आपका बैंक बोरोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनबीएफसी। तो एनबीएफसी को कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से वो पैसा अरेंज करती है जिससे वो लोन लोगों को देती है? तो पहला आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट। पर सभी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती, आरबीआई से अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है, स्पेसिफिक इसी पर्पज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर अप्रूवल मिलेगा तभी डिपॉजिट ले सकती है, तो उसको भी इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि अप्रूवल के बाद तो ले सकती है इसलिए ऐड किया। एक तो ये हो गया, दूसरा डिबेंचर्स इशू कर सकती है। बैंक भी एनबीएफसी को पैसा देते हैं लोन के तौर पर, ठीक है? तो बैंक बोरोइंग कर सकती है, कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। तो ये सारे सोर्स है जहाँ से एनबीएफसी पैसा अरेंज करती है। पर उसके मेजर सोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा इसको बैंक बोरोइंग से मिलता है। तो इससे बैंकों का भी फायदा है कि ये जो मतलब जो लोन है ऐसे ऐसे सेक्टर तक पहुंच जाता है जहाँ पर बैंक नहीं पहुंच पाते। तो एनबीएफसी को इसलिए भी बैंक लोन दे देता है कि दूर दराज कोने के हर एरिया तक ये जो है पहुंच जाती है। स्पेशली एनबीएफसी का जो ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो मॉडल है वो बहुत कारगर रहता है। मतलब माइक्रो फाइनेंस मतलब गरीबों को छोटे अमाउंट का लोन देना। तो एनबीएफसी ये काम भी करती है बैंकों से लोन लेके, जो माइक्रो फाइनेंस लोन देने का भी काम करती है। तो बैंक नहीं ये काम कर पा रहे, ये इतना दूर तक बैंकों का पहुंच नहीं है, तो इसलिए एनबीएफसी ऐसा करती है। अगर आप बात करें स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो एनबीएफसी उसको भी पूरा करने में अच्छा खासा रोल प्ले करती है। और एनबीएफसी को बैंक ने लोन दिया प्रायोरिटी सेक्टर को देने के लिए, और दिस चैनल कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ बैंक। तो बैंकों की लेंडिंग का ये भी ये पार्ट होती है। तो इसमें लेकिन लिमिट है, अभी हमने देखा था ना 5% तक का ही जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर के तहत पे लोन दे सकती है। नेक्स्ट है बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो जो एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है उसको ही बैंक जो है फाइनेंस कर सकती है। और ऑल एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद आरबीआई। आरबीआई से रजिस्टर लेना पड़ता है, एग्जम्प्ट फ्यू। तो कुछ केसेस में कुछ कैटेगरी के एनबीएफसी उसको एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो कौन कौन सी है जिनको एग्जम्पशन मिला हुआ है, वहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उनको, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो आपका सरफासी एक्ट 2002 के तहत जो बनाई गई है, निधि कंपनीज, आपकी म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनीज है, चिट फंड कंपनीज, और जो मर्चेंट बैंकिंग जो है मर्चेंट बिजनेस जो करती है, तो इन सबको एग्जम्पशन है कि इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी एनबीएफसी करेगी कि बैंक उसको लोन नहीं देगा? अगर वो किसी बिल को डिस्काउंट या रिडिस्काउंट करी तब बैंक नहीं लोन देने का काम करेगा, या उसने किसी भी कंपनी के शेयर में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, दोनों केस में बैंक इसको फाइनेंस नहीं देगा। किसी भी कंपनी को उसने अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है तो भी बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। कोई भी लोन या एडवांस जो कि एनबीएफसी अपनी सब्सिडी को देना चाह रही, बैंक उस पर्पज के लिए भी उसको लोन नहीं देगा। और कोई इंडिविजुअल जो है उसको आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू शेयर खरीदने हैं, आईपीओ होता है फर्स्ट टाइम, आप उसको प्राइमरी मार्केट भी बोल सकते हैं, तो आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कोई कस्टमर को शेयर खरीदना है और उस पर्पज के लिए वो एनबीएफसी से लोन दे ले रहा है, एनबीएफसी ने अगर उसको लोन दिया तो बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। ये कुछ एक्सेप्शन हो गए जहाँ पे एनबीएफसी को फाइनेंस नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है कि आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब, तो कुछ प्रोविजंस आरबीआई ने बताया कि कहाँ कहाँ पे फाइनेंस करेगा। तो जो एनबीएफसी आपका लीज या सब लीज वाले बिजनेस में, तो उसको बैंक फाइनेंस करेगा। कोई एनबीएफसी अगर फैक्टरिंग के बिजनेस में, तो उसकी भी कंडीशन है कि कम से कम 50% इनकम उसकी फैक्टरिंग से आनी चाहिए। और फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें बिल्स जो होते हैं ना, स्पेशली जैसे एक्सपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर के बिल को जो है डिस्काउंट किया जाता है, उसमें 80% तक का बिल का जो है पेमेंट मिल जाता है। तो जो फैक्टरिंग कंपनी एक्ट के हिसाब से काम करेगी, 2011 के रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगी, और 50% इनकम उसकी कम से कम फैक्टरिंग सर्विसेज से आनी चाहिए। उस तरह की कंपनीज को भी बैंक फाइनेंस कर सकता है ब्रिज लोन पर्पस के लिए। बैंक किसी भी ब्रिज लोन पर्पस के लिए कोई भी लोन कभी भी एनबीएफसी को नहीं देगी। एडवांस अगेंस्ट कॉलेटरल, शेयर्स को बैंक कॉलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मान लीजिए एनबीएफसी ने बैंक से लोन लिया और बैंक ने बोला सिक्योर्ड, ठीक है आप कॉलेटरल ऑफर करो, एनबीएफसी ने बोला हमारे पास कुछ शेयर्स और डिबेंचर्स एज ए कॉलेटरल, तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब इसमें बोला है। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस और गारंटी फॉर प्लेसमेंट ऑफ फंड विद एनबीएफसी। तो एनबीएफसी ने मान लीजिए कोई इंटर कंपनी डिपॉजिट कुछ लिया, तो बैंक उसको किसी भी टाइप की गारंटी नहीं इसमें देगा। सीलिंग क्या है एनबीएफसी को, जो बैंक लोन दे रहा है तो उसका लिमिट है। अगर बैंक किसी सिंगल एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो 20% जो बैंकों का टीएल1 है। अगर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनबीएफसी कनेक्टेड है, तो 25%। अगर आपका एनबीएफसी जो कि गोल्ड ज्वेलरी उसको सिक्योरिटी मार्केट कोई लोन देने का काम करे, जिसे आप गोल्ड लोन बोल सकते हैं, तो उसके इसमें 7.5% ऑफ टीएल1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। और अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एनबीएफसी लोन दे रही है, तो उसके इसमें 12.5% तक का ये लिमिट है। बैंक अपना खुद से लिमिट डिसाइड कर सकता है कि एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट को कितना रखेगा, पर जो मैक्सिमम सीलिंग है इसी सीलिंग में काम करना चाहिए।
नेक्स्ट, बैंक लोन टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग, मतलब बैंक एनबीएफसी को लोन दे रहा है और एनबीएफसी आगे लोन दे रही है, तो कहाँ कहाँ बैंक ऐसा कर सकती है? लोन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो उनको भी जो है बैंक लोन दे सकती है, और लोन टू एनबीएफसी, सो बैंक एनबीएफसी को लोन दे सकता है, एनबी आगे उसको दे सकती है, बट डिपेंड करता है कि कौन सी उसकी कैटेगरी है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर है या क्या है। लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी बैंक लोन दे सकता है, और वो फिर हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन देने का काम करेगी। और आपके लोन की लिमिट है कि अगर बैंक एनबीएफसी को प्रायोरिटी सेक्टर पर्पज के लिए लोन दे रहा है, उस केस में मैक्सिमम 5% जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा का आप नहीं दोगे। तो यानी 4 क्वार्टर में बैंक अपना एवरेज प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट देखेगा कितना है, उसमें से 5% ही वो एनबीएफसी के थ्रू लोन देके करवा सकता है, ये इसमें बताया। चलिए, पार्ट वन हमारा हो गया कंप्लीट, पार्ट टू से आगे वाले कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।